नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष और स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 10 और तारीख है 5 मार्च 2024। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत भी नाश्ते के साथ करते हैं। साबूदाना की बड़ी बन रही है, ऐसी कुछ बढ़िया लगती है टमाटर और धनिया की चटनी के साथ, तो वो खाएंगे। और उसके बाद आज हमें जाना है पटेल भैया, जितेंद्र पटेल भैया का पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराने। हमने बोला था कि जब आपका चालू हो जाएगा सबसे पहले हम पेट्रोल भराएंगे, तो उसका कहने का मतलब ये था हमारा कि भाई जल्दी से जल्दी चालू हो तो हम पेट्रोल भरवाना चाहते हैं अपने बनवाए हुए पेट्रोल पंप पे। तो आज वहाँ जाएंगे और पेट्रोल भरवाएंगे वहाँ से और थोड़ा वहाँ का ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलो नाश्ता कर लेते हैं। ये रहा साबूदाना बड़ा और टमाटर धनिया की चटनी। एक नंबर। ये रहा हमारा कॉलेज, छोले भटूरे। ओके, हालांकि मुझे अपने कॉलेज से कोई खास लगाव नहीं है, स्कूल से जरूर लगाव था, कॉलेज से मेरे को बहुत कोई खास लगाव नहीं था। ये रहे यहाँ के स्लम्स रीगा के। बाईपास आ गए, ये देख सकते हैं आप कि सड़क है, ये हाल है यहाँ का, पानी भरा रहता है यहाँ पे हमेशा। ओहो भाई, उसको कहीं ये ना लगे कि भाई रेस कर रहे हैं, कि भाई को जल्दी है। ओ भाई देखो कितना अच्छा लग रहा है जियो बीपी को देखकर, जियो बीपी अच्छा दिख रहा है यार। ओहो क्या बात, क्या बात है यार। अरे चंदन क्या हाल है तुम्हारे, हमने सोचा चालू करवा दिए पंप, तुम भरा ले पेट्रोल। हम हाँ भरा ले पेट्रोल जियो बीपी का। अरे तो फुल टैंक करानी है, कार्ड स्वाइप करना पड़ेगा। कहाँ है वो पटेल भैया? अच्छा चलो फोन करते हैं, पहले उनको बुलाया जाए फिर भरवाएंगे पेट्रोल। हम भी थे बनवाने में यहाँ ईवी नहीं चालू हुआ तुम्हारा, गाड़ी भी किनारे कहीं लगा दे। कहाँ लगा दे, वहाँ लगा दे, अब सबसे मिलजुल ले तब ना फिर ब्लॉग ना बनाए। आए हाय हाय, कहाँ है तुम्हारे अर्पित भैया? अच्छा ये रहा चंदन। हेलो गल्लो चंदन। चंदन हमारे स्कूल का ही छात्र है, जहाँ हम पढ़ते थे वहीं चंदन भी पढ़ता था और चंदन का पेट्रोल पंप भी हम ही बनवा दिए है। चंदन स्कूल से आ रहा अभी? हाँ। पर यार ड्रेस बिगड़ गई, पहले वाली ड्रेस मुझे अच्छी लगती थी। चलो हो गया, अच्छा है ये देखें। चलो बाय। डिस्पेंसर लग गया, ये नया डिस्प्ले नहीं था क्या पुराने वाले में की था? एक मोटर चेंज हुई खाली। अच्छा अब नए वाले जो हमारे यहाँ बनेंगे लगेंगे वो उसमें वही वाला अब लगा करेगा ना। देखें चालू हो गया, ये बहुत खुशी की बात है। मैं तो इसीलिए आप जल्दी से टंकी, क्योंकि गाड़ी भी धुली है मेरी साफ सुथरी, मैं बोला जल्दी से चला जाए चंदन के पेट्रोल पंप से भाई पेट्रोल भराया जाए। ये देखिए जनता कितना बढ़िया लग रहा है, जियो बीपी दूर से दिख रहा था एकदम ग्रीन और वाइट में। कैसा लग रहा है चंदन अब? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। ये रहे हमारे मैनेजर साहब, अब धीरे धीरे इनसे भी व्यवहार बनेगा। ये देखें इसको क्या कहते हैं, सेल्स बिल्डिंग,
WS स्टोर लिखा रहता है पर ये वो नहीं है, ये सेल्स बिल्डिंग हम कह सकते हैं। तो ये देख, हाय मस्ट आ गया क्या? अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या हो रहा है? अच्छा ये निकाला जा रहा है पेट्रोल डीजल, बहुत बढ़िया। ये देखे दर्शक, ये फिल पॉइंट होता है, पेट्रोल और डीजल यहाँ भरा जाता है। ये बढ़िया काम किया इन्होंने, ग्रीन करा दिया, यहाँ से गैसेस निकलती है। और ये देखिए हाई मस्ट आ गया, अब ये लगेगा वहाँ, क्या बात है। ये इसलिए होता है जिससे कि दूर से ही दिखाई दे जाए हाईवे पर कि हाँ पेट्रोल पंप है यहाँ पे। ये क्या है चंदन, ये क्या है? हाय मस्ट कही है। अच्छा देखें, ये चालू हो गया है टॉयलेट, मान लो हमको सुसु करना हो तो कर सकते हैं ना, अलाउड है ना हमको? ठीक है, हमको लगी है सुसु, क्योंकि अच्छा हमको सुसु लगी भी है। सुसु करने का ब्लॉग बाद में बनाएंगे, पहले है ना, और क्या हम बनाते हैं ना। ये देखिए सेल्स बिल्डिंग है, क्या बात है। देखिए ये फाइनल हो गई, हम लोग यहाँ पे उस टाइम थे जब ये बंद रहा था पूरा, बढ़िया लग रहा है देख के। तुम्हारे पापा कहाँ गए हैं? चलो उनसे ही मिल लें, फिर पेट्रोल डलवाएंगे, पटेल भैया और से भी मिल लें, उसके बाद पेट्रोल भरा जाएगा, तब तक गाड़ी वहीं खड़ी रहेगी। चलो, मेरे को सुसु लगा था तो मैं थोड़ा बाथरूम का भी प्रयोग कर लूँ यार, मतलब ज़रूरी है। ये देखो ये रहा मैं और यूरेनल्स, तो चलो अभी कैमरा बंद करते हैं। कुछ भी कहो यार, बहुत अच्छा लगता है जब कहीं पे काम करो और फिर कमिश्निंग हो जाए उसकी, तो फाइनली देख के फिर अपना जो आपका सफ़र है वहाँ का वो याद आता है। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है मेरे लिए, मेरे लाइफ के लिए पेट्रोल पंप। पहले पानी पी लूँ, फिर थोड़ा सा आपको बताता हूँ, फिर पटेल भैया आ जाएंगे तो फिर थोड़ा उनसे मिलूँगा और फिर पेट्रोल भरा के निकलूँगा घर। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खुद का बनाया पेट्रोल पंप COBP। थोड़ा अब हम इंजॉय करेंगे ये पीछी, मुँह मीठा कर लिया जाए। तो हुआ ये था कि इससे पहले मैं सोलर प्लांट में काम किया था, उसके बाद फिर गौशालाओं में, एक रीवा में योजना आई थी कि गौशालाओं का निर्माण होगा, सरकारी योजना थी, पर यहाँ पे इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार किया गया, इतनी बड़ी जालसाजी की गई सरकारी अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों और उनके दलालों के द्वारा। खासकर जो दलाल थे वो यहाँ के IAS के बहुत करीबी दोस्त थे और उसी के संरक्षण में सब हो रहा था। अभी भी मैं उस IAS के खिलाफ लड़ रहा हूँ और कोर्ट मैटर में है। तो उस बीच 2-2.5 साल मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ठाना कि मैं सिर्फ इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, अपने हक को वापस लूंगा, फिर जो पैसे डूबे हैं वो उन भ्रष्ट अधिकारियों और उन दलालों से मुझे वापस चाहिए, और या तो फिर ये भी था कि इन लोगों को जेल भी भिजवाना है, जिससे कि आगे ये लोग किसी के साथ ही गलत न करें। ऐसे लोगों को ऐसे कुर्सी बैठने का हक नहीं है सरकारी, तो इससे अच्छा कि ये लोग बेरोज़गार हो जाएं, जो कि दूसरों को बेरोज़गार करते, दूसरों की पूँजी लूटते, तो इनके साथ ही खुद होना चाहिए और इनकी नौकरी जानी चाहिए, जेल जाने चाहिए। तो इसीलिए मैं लगा हुआ था, 2-2.5 साल तक कुछ काम नहीं किया, फिर कुछ समझ नहीं आया था करूँ क्या, और थोड़ा हताशा भी थी। तो फिर हो गया किस्मत से, यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर, उनको इंजीनियर की ज़रूरत थी, उनका जो पिछले इंजीनियर था वो शायद छोड़ के चला गया था, तो फिर मैं यहाँ पे हो गया। आ नहीं रहा था, मेरा मन नहीं था, पर मैं आने लगा, धीरे धीरे मुझे मज़ा आने लगा, काम करते बनने लगा, और उसके बाद फिर अब मैं खुद ही अपना काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर भी हूँ और अब मैं खुद ही ये काम करने लगा हूँ और पेट्रोल पंप बनाता हूँ COBP के। तो ये बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ में, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, क्या काम करें, ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और तभी भगवान ने ये रास्ता दिखा दिया। तब से मुझे यही चीज़ समझ में आई भाई साहब कि
आपके बस में कुछ नहीं है। अगर भगवान कुछ करना होगा तो कहीं से भी ला के आपको वो चीज़ देंगे। बस होपफुल रहो, मेहनत करते रहो। उस टाइम होप भी धीरे धीरे खो रही थी तो भगवान ने संभाला, और अब UOBP ने ऐसा टर्निंग पॉइंट दिया कि अब इसी में हम काम करने लगे। बड़ मज़ेदार काम है, मज़ा आने लगा। तो बहुत करीबी है ये पेट्रोल पंप, प्रिय हमें ये पेट्रोल पंप फाइनली चालू हो गया तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। इसीलिए हम पेट्रोल भराने आए हैं अपनी गाड़ी फुल टैंक GOBP का। अब चंदन ने बोला भी है कि टैंक फुल कराइए। थोड़ा पाछे जाओ, पीछे जाओ ना, पूरा चेहरा आए, चेहरा भी आए, गाड़ी भी पूरी आए, फुल आएगी, नोजल भी आए, सब आए। फुल कर देना है, वैसे मैं फुल ही भरवाता हूँ टैंक का। बहुत बढ़िया लग रहा है वैसे, अपने व्लॉग में डालूंगी। हाँ अच्छा, आप कब से व्लॉग चालू कर दी? आराम से नहीं नहीं यार, एक ऐसी टंकी है, भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है, पेट्रोल खत्म ही नहीं हो रहा है। कितने का हो गया? बस बढ़िया लग रहा है। पैसा भी देना है चंदन की नहीं? हाँ, आए, है तो कहिए। अरे बाप, चंदन ये लो, कार्ड कौन सा हेल्प करेगा? कार्ड वाले वो कैमरा लगाया, अर्पित को बता दे कि भाई पेमेंट हो गया है। खुशी लग रही है अपना, जहाँ पे इतना मेहनत किए थे, काम किए थे, सीखे थे, वो चालू हो गया पेट्रोल पंप। मैनेजर साहब मिलते हैं बहुत जल्दी, इस गाड़ी का पेट्रोल खत्म होता है हमारी, तो जल्दी जल्दी मिलेंगे। जल्दी जल्दी खत्म करिए। अच्छा ऐसा? नहीं यार यही ठीक है, मेरे को बाइक ही पसंद है, लेकिन लेंगे डीजल वाली भी लेंगे, जिससे डीजल भी भरा ले, पेट्रोल भी है ना। लेंगे लेंगे लेंगे, अब इसके बाद और लेंगे, ट्रायम्फ वगैरह। ठीक है चलिए मिलते हैं। चलो अपना पेट्रोल भर गया GOBP का, अब हम एवरेज के लिए इसमें घर में कुचना वाले भाई साहब भी आए हैं, तो जो चिमनी है उसका भी मतलब सर्विसिंग हो रहा है। बहुत अच्छा लगता है यार, मालूम काम वो करो जिसमें मजा आए। मतलब मेरे साथ यही चीज़ है, मुझे पैसे से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मुझे मज़ा आना चाहिए काम में। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें मुझे मज़ा आया और मज़ा आता है, बढ़िया काम लगता है मेरे को। क्योंकि इसमें ये कोई नॉर्मल पेट्रोल पंप नहीं है, इसमें आपसे थोड़ा ज़्यादा आपको इसमें सिंसियर रहना पड़ता है, आपको अच्छा क्वालिटी देना पड़ता है, सही काम करना रहता है GOBP में, और थोड़ा टफ भी रहता है, तो इस वजह से आप थोड़ा एक्सक्लूसिव महसूस करते हैं कि हाँ आप एक बढ़िया काम कर रहे हैं।
हे राम। रॉन्ग साइड में लगा दिया है ये तो। देखिए कहा है करा कबाब पराठा, मोमो हाउस, भोला वेज कबाब। यस आ गए हम लोग भोला वेज कबाब। प्लेट लगा दो कबाब पराठा, मस्त कबाब बिकते हैं। बोल तो दिया मैंने, तो अभी चीयर्स करेंगे ना। ये लो हमारा भी रेडी हो रहा है, फिर अपन लोग चीयर्स करेंगे। चीयर्स करने के लिए पीछे है एक चीज़। क्या? गन्ने का जूस। गन्ने का जूस है इसको, गन्ने का। चीयर्स चीयर्स। अब बढ़िया आनंद लिया जाए। तो चलो बढ़िया टेस्ट आता लेमन जूस का। तो आ गए हम घर और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि आज के जो वीडियो का मेन कंटेंट था वो यह था कि जिस पेट्रोल पंप को हमने मतलब बनाने में अपना योगदान दिया थोड़ा बहुत, उससे अपन आज पेट्रोल भराएं, अपनी बाइक में टैंक फुल कराएं। और बहुत खुशी हुई कि वो पेट्रोल पंप अब शुरू हो गया है और अच्छा लगता है, और ऐसा बार बार लगना चाहिए, इसीलिए काम करते रहें। पर एक चीज़ ये भी थी मालूम आपको, ये जो जियो बीपी का सिंबल है, ये जो पेट्रोल पंप है, वो हमारे कमबैक का एक सिंबल है। मतलब दोबारा हमने मतलब जहाँ से अपना जर्नी शुरू की, एक बार काफ़ी नीचे तक गए, पैसे लूट गए, और ये भ्रष्ट सिस्टम जो है उससे हमने अपना सर फोड़ा और हमने दरार भी पैदा की, और अभी वो भ्रष्ट सिस्टम जिससे हम भिड़े थे उसकी दीवार भी गिराएंगे, मैटर कोर्ट में है। और अब चूंकि एक भ्रष्ट आईएएस से लड़ना बहुत आसान काम नहीं होता है, पर ठीक है, आसान काम हमको करना पसंद भी नहीं है, हम इसको चैलेंज के रूप में लिए थे और बढ़िया काम कर रहे हैं। तो एक सिंबल था ये कि हमने दोबारा जब काम शुरू किया, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा करीब है ये सिंबल जियो बीपी पेट्रोल पंप का काम। तो चलो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।